दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड एडमिशन सत्र 2020-22 के लिए, दो साल का डीएलएड होता है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया है और आज से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में हम आपको बता ही देंगे जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें नेगेटिव रहेगा या नहीं, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और इसमें जो है डीएलएड का कोर्स होता है 1 से लेकर 5 तक जो टीचर बनते हैं वो लोग डीएलएड कोर्स करते हैं जो 12th के बाद होता है, बीएड ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो चलिए सारे क्वेश्चन का हम आपको आंसर बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको इसमें सिलेबस क्या है उसके बारे में बता देते हैं और बाकी आपको वन बाय वन करके हम आपको बता देंगे। इससे पहले जो लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं इसके वेबसाइट पर और डिस्क्रिप्शन में भी इसका हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा आप लोग इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और ऊपर में से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका सिलेबस बता देते हैं, इसका सिलेबस क्या है। इस वेबसाइट के नीचे जब आइएगा तो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जनरल हिंदी है, जनरल उर्दू है, जो उर्दू सब्जेक्ट रखेगा उन लोगों के लिए है और 30 क्वेश्चन उसमें से आपको पूछेगा और उसमें 90 मार्क से पूछेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क दिया जाएगा। और इसका और एक हम आपको बता दें, इसमें नेगेटिव रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन अगर गलती हो जाता है तो आपको 3 मार्क कट जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें नेगेटिव है और इसका फुलफिल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है, आगे हम और इसका अपडेट आपको देंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको समय समय पर इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और यहाँ पर गणित की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं और 90 मार्क का होगा। और साइंस से, साइंस में आपको सब आ जाता है, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल स्टडीज से हो गया, जैसे सिविक्स हो गया, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशल स्टडीज के अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मार्क, यानी कि इसमें आपको 3 मार्क पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और जनरल इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कवर किए हैं और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी पूछे जाएंगे। और हम आपको आगे वाले वीडियो में ये भी बताएंगे इस का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, OMR बेस एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ से आपको तैयारी करना चाहिए, कौन से बुक प्रीफर करना चाहिए, सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, तो ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ से देखिए, लॉजिकल एंड एनालॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट तो 25 का 25 ला सकते हैं, ये बहुत अच्छा आपको मार्क बढ़ाने में आपका ये जो है बेस बनेगा। रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका ये साइंस हो गया 20 में से, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद हिंदी है और ये सोशल स्टडीज थोड़ा वीक रहता है। तो चलिए, ये थी आज का, आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाएगा 450 मार्क का, यहाँ पर देख सकते हैं 3 से मल्टीपल 450 आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, सिलेबस क्या है आप लोग जान लीजिए, सिलेबस है इसमें नेगेटिव रहेगा, यानी कि रहेगा। और इसका एग्जाम जो है आपको ऑफलाइन लिया जाएगा OMR 20। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए पूरी प्रक्रिया भी वेबसाइट पे बता दिया गया है, अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ नीचे में इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं, इसका इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है, सुझाव है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इंक्वायरी नीचे आने के बाद यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 10 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक, ठीक है। और आप अपना जो है क्वेरी इस हेल्प डेस्क ईमेल पे भी आप लिख सकते हैं। ये थी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको मिल जाएगा जैसे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाता है। ये थी दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।